नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव में लॉटरी से होगा जीत का फैसला, आयोग की यह गाइडलाइन जान लीजिए। दाखिल खारिज का सिस्टम अब ज्यादा पारदर्शी, DCLR कोर्ट का फैसला ऑनलाइन देख सकते हैं। बिहार में किसानों को फिर से ट्रैक्टर खरीद पर मिलेगा अनुदान, जानिए केंद्र सरकार के फैसले का किसे मिलेगा फायदा। नीतीश के सामने आई प्रशासन की खामियां सुनकर आग बबूला हुए मुख्यमंत्री, अफसरों को एक लाइन में खड़ा कर खूब सुनाया। बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर सरकार ने जारी किया नया शेड्यूल, 18 अगस्त से लिए जाएंगे आवेदन। कई दिनों से नहीं मिल रहा है कोरोना का टीका, गुस्साए लोगों ने किया जमकर हंगामा। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में भीषण बाढ़ संकट, सीएम नीतीश ने की हाई लेवल मीटिंग, रात दिन अलर्ट पर रहेंगे अधिकारी। पूरे बिहार में 5 अगस्त तक बारिश और वज्रपात की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ब्लू अलर्ट। बिहार में अभी भले ही पंचायत चुनाव का बिगुल नहीं बजा हो, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग हर दिन चुनाव को लेकर अलग अलग गाइडलाइन जारी कर रहा है। आयोग ने अब लॉटरी से जीत के फैसले पर नई जानकारी साझा की है। आयोग के मुताबिक अगर राज्य के अंदर पंचायत चुनाव में 2 या उससे अधिक उम्मीदवारों को बराबर वोट हासिल होते हैं तो जीत का फैसला लॉटरी से होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार निर्वाची पदाधिकारी उम्मीदवारों के बीच लॉटरी निकालेंगे और जिस उम्मीदवार के पक्ष में लॉटरी निकलेगी उसे एक अतिरिक्त वोट प्राप्त हुआ माना जाएगा। इसके आधार पर ही निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद निर्वाचित पदाधिकारी ऐसे उम्मीदवार जो निर्वाचित हुआ है उसे प्रपत्र 22 में निर्वाचन प्रमाण पत्र देगा। इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी विधिवत निर्वाचित व्यक्तियों की लिस्ट जिला गजट में प्रकाशित करेंगे और उसकी एक एक कॉपी आयोग और निदेशक पंचायत राज को भेजेगा। आयोग के अनुसार उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसके चुनाव एजेंट या काउंटिंग एजेंट द्वारा वोटों की रिकाउंटिंग को लेकर लिखित आवेदन देना होगा। इसके लिए आवेदन के साथ रिकाउंटिंग कराए जाने के आधार सहित निर्वाचित पदाधिकारी और उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को भी लिखित आवेदन दिया जा सकेगा। जमीन की दाखिल खारिज में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करने के लिए नीतीश सरकार अब सिस्टम को ऑनलाइन कर चुकी है। सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को पहले से ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए अब ऑनलाइन मोड में फैसलों को रखने का निर्णय किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने DCLR कोर्ट को भी ऑनलाइन कर दिया है। अब कोई भी शख्स DCLR कोर्ट जाए बगैर अपने केस की जानकारी ले सकता है। दाखिल खारिज अपीलवाद मैनेजमेंट सिस्टम अब जनता को समर्पित कर दिया गया है। मंत्री रामसूरत राय ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि म्यूटेशन को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। इस प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मियों की जिम्मेदारी और समय तक तय कर दी गई है। हर महीने म्यूटेशन में लगे कर्मियों की रैंकिंग भी विभाग द्वारा की जा रही है। इसी तरह DCLR ऑफिस और उनकी कोर्ट को भी जिम्मेदार बनाने की जरूरत थी। अब भूमि सुधार उप समाहर्ता और भी सजग होकर काम करेंगे। बिहार में किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार एक बार फिर से ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को अनुदान देने जा रही है। राज्य में यह व्यवस्था एक बार फिर से लागू हो गई है। हालांकि इस बार इस योजना का लाभ चुनिंदा किसानों को ही मिल पाएगा। सरकार ने ट्रैक्टर की खरीद पर 80% तक अनुदान देने का फैसला किया है। बता दें कि राज्य के 13 आकांक्षित जिलों में कृषि यंत्र बैंक बनाने वाले किसान समूहों को ही इसका लाभ मिलेगा। दूसरे किसान वहां से अपने इस्तेमाल के लिए सस्ती दर पर किराए पर ट्रैक्टर ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य के 13 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया है। ये जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका, कटिहार, अररिया, खगड़िया, सीतामढ़ी और पूर्णिया हैं। इन्हीं आकांक्षी जिलों में केंद्र ने ट्रैक्टर पर अनुदान देने की यह नई योजना बनाई है। योजना पर अमल शुरू कर दिया गया है। इस योजना में ट्रैक्टर को मिलने वाले 80% अनुदान की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपये रखी गई है। चूँकि अलग अलग ट्रैक्टरों की अलग अलग कीमत है, लिहाजा अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में उस वक्त आग बबूला हो गए जब उनके सामने एक के बाद एक दर्जन भर ऐसी शिकायतें आईं जिसमें प्रशासन की खामियां थी। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ शिकायत सुनकर CM नीतीश काफी गुस्से में आ गए। उन्होंने तत्काल मुख्य सचिव से लेकर अमीर सुबहानी तक जैसे सीनियर अफसरों को एक लाइन में खड़ा कर सुना दिया कि आखिरकार किस तरीके से प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं। दरअसल CM नीतीश सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की शिकायत सुन रहे थे। इस
दौरान सीएम के सामने लगातार कई केस ऐसे आए जिसमें लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में गड़बड़ी देखी गई। मुख्यमंत्री अपने एक अधिकार को इसके बारे में समझा ही रहे थे कि एक और मामला इसी से जुड़ा हुआ सामने आ गया। बुजुर्ग की शिकायत सुनते ही सीएम आग बबूला हो गए और उन्होंने तत्काल बिहार के मुख्य सचिव से लेकर आमिर सुबहानी तक को बुलाया और उन्हें लाइन में खड़ा कर बताया कि आखिरकार किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं। शिक्षक नियोजन को लेकर बिहार सरकार ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है। हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में 30,000 पदों पर होने वाली शिक्षकों की भर्ती के लिए 18 अगस्त से 17 सितंबर के बीच आवेदन लिए जाएंगे। गौरतलब हो कि हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर 2 जुलाई से काउंसिलिंग होनी थी जिसे स्थगित कर दिया गया था। नया शेड्यूल आने के बाद माना जा रहा है कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली में काफी देरी हो सकती है। इसमें पहले प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग ने नया शेड्यूल जारी करते हुए कहा है कि जो अभ्यर्थी पहले आवेदन दे चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। नए शेड्यूल के मुताबिक 2 अगस्त तक नियोजन इकाईवार 30 जून 2019 तक उपलब्ध रिक्त पदों की गणना की जानी है। अंतिम मेगा सूची नियोजन इकाई द्वारा 6 दिसंबर तक सार्वजनिक की जाएगी। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने इस आशय अधिसूचना जारी की है। सिवान नगर थाना इलाके के सिवान आंदर मुख्य पथ पर स्थित दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर फिर से जमकर हंगामा हुआ जिसमें कुछ देर के लिए वहां अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सिवान सदर एसडीओ रामबाबू बैठा ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। लोगों का आरोप है कि सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बावजूद उन्हें टीका नहीं लग पा रहा है जिसके कारण वे घर लौटने को विवश है। कई लोगों का तो यह कहानी है कि इस तरह की स्थिति पिछले कई दिनों से बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में बने वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन के लिए सुबह से लोगों की भीड़ जुटी थी जहां वैक्सीनेशन का कार्य धीरे होने से नाराज लोगों ने सोमवार को शाम सेंटर पर जमकर हंगामा किया जिसके कारण वहां अफरातफरी का माहौल कायम हो गया। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में भीषण बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। पटना के साथ साथ जहानाबाद कैमूर औरंगाबाद जैसे जिलों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए अब राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार कार्यक्रम के बाद बाढ़ संकट को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिया है कि वह दिन रात अलर्ट मोड में रहें और तटबंधों की सुरक्षा पर नजर रखी जाए। आपको बता दें कि दक्षिण बिहार के कई जिलों में नदियां उफान पर है। कई जगहों पर अलग अलग नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है जिसके कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री ने हालात की जानकारी मिलने के बाद तुरंत इस मसले पर समीक्षा बैठक की है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी नदियों के जलस्तर का अपडेट लेते रहे और तटबंधों की सतत निगरानी करते रहे। अगर कहीं पर किसी प्रकार की क्षति हुई है तो वहां राहत एवं बचाव कार्य के लिए तत्काल कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि जहां भी तटबंधों में कटाव हुआ है वहां कटाव निरोधी कार्य तेजी से कराएं। अभियंता इस बात की जानकारी ले कि कटाव कैसे हुआ और आगे ऐसा न हो इसको लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम करें। बिहार में मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने सभी 38 जिलों के लिए 5 अगस्त तक ब्लू अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वज्रपात और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के कई जिलों में कई स्थानों पर हल्की बारिश का अलर्ट है। 2 और 4 अगस्त तक 6 जिलों खगड़िया सुपौल कटिहार पूर्णिया सीतामढ़ी और अररिया में भारी बारिश का अनुमान है जबकि 5 अगस्त को पूरे बिहार में हल्की बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से पश्चिम की ओर बढ़ने वाले निम्न हवा के दबाव और बिहार झारखंड से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्से पर बनने साइक्लोन सर्किल के प्रभाव से पटना सहित 19 जिलों में 3 से 11 mm तक बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 3 अगस्त तक ग्रीन अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग ने बम्पर वैकेंसी निकाली है। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए जूनियर इंजीनियर सहित अन्य पदों पर बहाली की तैयारी चल रही है। कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद बहाली की अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जाएगी। आपको बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग में कुल 9,570 पदों पर बहाली होनी है। नियमित बहाली पर सरकार को सालाना 300 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। विभागीय अफसरों के अनुसार विभाग के अधीन 1,070 सेक्शन है। हर सेक्शन में एक जूनियर इंजीनियर, एक सर्वेयर जो आईटीआर उत्तीर्ण होंगे, एक वर्क सरकार लोअर डिवीजन क्लर्क और एक
कार्यालय अनुसेवक की बहाली होगी। इसके अनुसार बिहार में 5,350 कर्मियों की जरूरत होगी। इन पदों पर मात्र 1,070 पद ही सृजित हैं। इसे देखते हुए विभाग ने 4,280 पद सृजित करने का फैसला लिया है। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन चलाने की प्रक्रिया जोर पकड़ ली है। बताया जा रहा है कि शहर के कॉरिडोर 2 के अंडर आने वाले स्टेशनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जिसके लिए करीब 1958 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। कॉरिडोर 2 के तहत गांधी मैदान PMCH सहित 7 स्टेशन को अंडरग्राउंड किया जाएगा। जानकारी के अनुसार कॉरिडोर 1 में दानापुर मीठापुर खेमनीचक होगा। इसमें 7.393 किलोमीटर उपरिगामी यानी कि एलिवेटेड होगा और भूमि 10.54 किलोमीटर होगा। इस प्रकार कुल 17.933 किलोमीटर में कॉरिडोर 1 बनेगा। वहीं कॉरिडोर 2 में पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन गांधी मैदान पाटलिपुत्र ISBT शामिल है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।